हमने लिया है, कैसे एडिशंस को हम वैदिक मैथ से, एडिशन हमने ले लिया था, मल्टीप्लिकेशन हमने ले लिया था, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारा बचा है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अभी हम आज सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, कैसे टिप्स पे एक नंबर में से दूसरा नंबर पार कर देंगे, यानी लेस कर देंगे, जो बचा है रेजिड्यू उसको कैसे निकालें हम बिना किसी कैलकुलेटर के। तो ये बड़ा परफेक्ट सा मामला है और हम इसे आज सीख लेंगे। चलिए मैं आपको सीधे सफर पर लेके चलूं, सफर लर्निंग का। आज कुछ बच्चों का करियर गाइडेंस था और वो सुबह से लाइनअप थे, कुछ ऑर्फनेज हैं दिल्ली से अहमदाबाद से, तो उनके बच्चों का करियर गाइडेंस चल रहा था और उनमें से एक बच्चे का डिले हो गया, आपकी क्लास इस वजह से डिले हुई। चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुडे, जर्नी टू लर्न सबट्रैक्ट नंबर्स क्विकली एंड हाउ वी विल सबट्रैक्ट क्विकली। देखो कितना सिंपल है, चलिए 21 में से 13 लेस किया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कितना आएगा? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम, देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो पूरे देश की प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम है। बोल भी दिया करो, अच्छा माइक ओपन करो, बोलेंगे, लिख के दिखाना तो बहुत इजी है। 8 जल्दी से कूद पड़ा करो। 8 अरे वाह बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रियली। 21 में से 13 लेस किया, और कैसे लेस किया कौन बताएगा? हाउ इट हैपन? How it happened? The 20 minus 13 plus 1. 21 minus 13? 20 minus 13 plus 1. अरे वाह, चलो बाकी किसी और ने कोई और ट्रिक लगाइए। ऋषि जी अभी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया, अभी तो हम बस चल रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन शुरू किया आज हमने, बस ये ट्रिक है। बाकी किसी ने, कई लोगों ने बताया 21 में से 13 गया तो 8 आया, कैसे आया मुझे ये बताइए। सर काउंटिंग से, कि जैसे बोल के बताओ। सर 13 से लेकर 21 तक फिंगर से काउंट किया। अगर यही प्रॉब्लम 21 में से 13 लेस करना हो तो हो जाएगी ना कन्वर्ट। चलिए फिर अगर ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाए तो कैसे करें? तो पहले हम इसका फॉर्मूला ऑन टिप्स सीख सकते हैं, अभी वो काउंटिंग वाला गया। कन्वेंशनल मेथड में 1 में से 3 लेस करना था, तो बस 1 में से 3 लेस आना थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैसे लेस होगा 1 में से 3 लेस नहीं आता। तो हमारे पास ऑप्शन था कैरी लेके लेस करो, फिर कैरी लेके लेस करो तो वहां से आगे करो, ये हमारा प्रोसेस था अभी तक कन्वेंशनल। बट ये कन्वेंशनल मेथड हमारा अब और सॉर्ट हो सकता है वैदिक मैथ से, जो हम सीखने वाले हैं वैदिक मैथ से। ये दो स्टेप में सॉल्व होता है, देखो कैसे सॉल्व होगा, दो स्टेप में। 1 में से 3 लेस किया तो हमें पता है कि 3 इज मोर देन 1, तो आंसर क्या आएगा? 1 और 3 का डिफरेंस निकला 2, और क्योंकि 3 बड़ा है तो यहाँ हमारा पास माइनस 2 आएगा। कौन कौन समझ गया इस बात को? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 में से 3 लेस नहीं हो सकता बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1, देन व्हाट वी हैव टू डू? 1 में से 3 अगर जाएगा तो 1 से 1 नलीफाई होगा, हमारा डिफरेंस आएगा माइनस 2। सब्ट्रैक्शन का मतलब है डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन का मतलब है डिफरेंस, दो नंबर में डिफरेंस निकालना है।
अब इसमें से डिफरेंस निकाला हमने तो वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर नीचे वाला नंबर जिसको लेस कर रहे हैं वो छोटा है तो हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, अगर नीचे वाला नंबर जिसको लेस कर रहे हैं वो बड़ा है तो हमारा डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। ये बात समझ में आ गई? मुझे हाँ करके बताओ अगर ये समझ में आ गई तो सारा काम हो गया। तो डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। नेक्स्ट टेंस के पास गए, टू में से वन को लेस किया, देन इट केम वन, सिंपल। अब इस बार वो टू बड़ा है, वन छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है टू में से बन गया तो पॉजिटिव आएगा वन। और नमस्कार नमस्कार भाई, एक मिनट एक। तो हमने पॉजिटिव लेस किया तो टू में से बन गया तो वन, और हमारे पास आया टेंस में से क्या बना वन, और वंस में से बचा माइनस टू। बस पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया और ये बहुत सिंपल था। डिफरेंस पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रख दिया, नेगेटिव आया तो नेगेटिव रख दिया, और इसको बिना पेपर पेन के हम सॉल्व कर सकते हैं। 21 में से 13 लेस किया तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस टू बचा इधर, और टू में से बन गया तो प्लस वन बचाएगा, वन माइनस थ्री, वन प्लस का माइनस थ्री। नाउ अब इन द नेक्स्ट स्टेप एक और स्टेप चाहिए जिसमें हमें आंसर माइनस में नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिर्फ हमें ये करना है कि जो नंबर माइनस में है उसको टेन में से लेस कर देंगे, टेन में से लेस कर देंगे, 10 में से लेस कर देंगे, 10 में से लेस कर देंगे। मतलब माइनस टू को 10 में से लेस किया तो कितना आया, 8। वंडरफुल, 8। तो मेरा यूनिट प्लेस का आंसर आ गया 8। अब ये 10 में लाया कहां से, मैंने वंस वाले नंबर से उसके अगले वाले नंबर से 10 को बोरो कर लिया, तो यहां मैं वहां से बोरो कर लिया। अब वो वहां मैंने देखा वहां 1 ही था, 1 को मैंने बोरो कर लिया तो बचा क्या, 1, 0, जीरो, yes. जीरो। तो मैंने वन था, वन को बरो कर लिया तो वहां जीरो बचा, मेरा आंसर जीरो एक आ गया, सिंपल। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आज करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। बैकग्राउंड साउंड है एक बार आयुष ये वाला फैन बंद कर दो, बहुत साउंड है, आप सामने वाला चला लो, आपको भी आ जाएगा मुझे भी। अभी साउंड कम हो गया होगा। तो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं, तैयार हो जाएं सारे, कम ऑन बी रेडी, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एंड दिस टाइम द एग्जांपल वुड बी लिटिल बिगर। So the example is this time 357 से 439 को, 439 से 357 को less करना है, less 357 from 439, 357 from 439। तो अभी मुझे कौन बताने वाला है कि यूनिट प्लेस था हमारा कितना, 9 में से 7 गया तो 2 बोल दो, इतना इतना बड़ा सवाल है। 9 में से 7 2, एंड 3 में से 5 माइनस 2, माइनस 2, वंडरफुल, एंड 4 में से 3 1। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ऑल जीनियस स्टूडेंट। अब उसके बाद एक स्टेप और लेना है हमें, अगले स्टेप में क्या रखना है, सेम रिपीट करना है, सिर्फ चेंज करना है तो वो जिसमें माइनस लगा हुआ है। अब माइनस 2 था तो हमें 10 में से उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देना है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इस नंबर को। तो 10 में से कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 2 लेस किया तो कितना बचा, 8, सिंपल। अब ये 8 बचा, अब मुझे क्या करना है, मैंने 10 कहीं से बोरो लिया, बोरो कहां से लूंगा, मैं अपने लेफ्ट साइड के नंबर से बोरो लूंगा। मैंने लेफ्ट साइड में 1 था, 1 को ही मैंने बोरो, 1 का मतलब है
100 प्लेस पर 1 टेंस प्लेस पर 10 के बराबर है और टेंस प्लेस पर 1 100 प्लेस के बराबर है। तो मैं अपने लेफ्ट से अगर 1 बोरो लेता हूं तो वो मेरे राइट में आके 10 हो जाता है, ऑटोमेटिकली 10 हो जाता है, प्लेस वैल्यू उसकी 10 टाइम्स हो जाती है। तो जब भी एक ब्लॉक एक नंबर शिफ्ट होगा बोरो में उसकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स हो जाती है। आयुष से सामने वाला फैन चला लो ना, अपने आयुष अपने सामने वाला फैन चला लो, गर्मी लगेगी, ठीक है, या इसको 2 नंबर पर कर दो तो भी चलेगा। तो ये हो गया, हमने 1 दिया तो हमारा वहां 0 हो गया और हमारा आंसर आ गया 82। क्लियर है, ये कर सकते हैं, ये तो सिंपल है, बोलते नहीं हो। यस सर। चलो नेक्स्ट, वन मोर प्रॉब्लम, एक और बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए अभी कौन बताने वाला है क्या होगा? यस, मुझे बोल के कौन बताएगा प्रॉब्लम, कौन सॉल्व करेगा? कौन बोल के बताने वाला है? सेवन में से 6 किया कितना बचा? 1। 3 में से 6 किया कितना बचा? -3। 2 में से 4 किया कितना बचा? -2। 4 में से 3 किया? 1। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, 1 का 1 -3 का कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट मींस द नंबर व्हिच इज बीइंग सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो कॉम्प्लीमेंट बना 7। उसके नेक्स्ट वाले में 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बना? 8। तो बना 8। पर 8 में से ऑलरेडी एक बोरो -3 की तरफ ऑलरेडी चला गया ना। 1 बोरो, 1 बोरो ऑलरेडी -3 पीछे है, उसको जब 10 बनाया तो यहाँ से 1 बोरो चला गया था, तो यहाँ इसके पास टोटल 8 बचे, 8 में से 1 बोरो ऑलरेडी चला गया तो कितना बचा? 7। 0 7 7 बन हो गया। यस सर। सर हमेशा हम लोग 10 से ही माइनस करेंगे? यस, हम हमेशा बेस नंबर 10 से ही माइनस करेंगे, ऑलवेज 10 से ही माइनस होगा, क्योंकि हम एक 1 बोरो करते हैं और 1 बोरो करके नेक्स्ट में जाके, जैसे हम US से पैसे बोरो करते हैं डॉलर में और इंडिया में आके वो 80 टाइम्स हो जाता है, वैसे ही अगर हम किसी नंबर को कैलकुलेशन में 1 प्लेस डिस्प्लेस करते हैं तो वो 10 टाइम्स हो जाता है अगर उसको लेफ्ट से राइट में डिस्प्लेस करेंगे तो, और राइट से लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट अगर जाती है तो 1/10 हो जाती है उसकी वैल्यू। तो US से अगर डॉलर इंडिया आता है तो उसकी 80 टाइम्स या 75 टाइम्स वैल्यू हो जाती है, और इंडिया का रुपी जब वहां जाएगा तो वो 1/75 टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू का कितना फर्क होता है? यस सर। अच्छा, तो अब हम आगे एक और प्रॉब्लम लेने वाले हैं। किसी ने कहा वापस समझाओ, चलो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में समझते हैं। चलो अभी सब हम एक एक करके एक प्रॉब्लम लेंगे। पहले 67 -59 को जल्दी से सॉल्व करो, बिना पेपर पेन के सॉल्व करो और बस बोल के बताओ। 67 -59 कौन जल्दी करने वाला है? अच्छा, कौन सॉल्व बताएगा, कौन कैसे हुआ? Who is going to explain? 7 -9 is -2. 6 yes. -5 is 1. 10 okay. is 2 to 8. 7 -5. First step हुआ 7 -5. 7 -9. 7 -9 कितना हुआ? -2। बहुत बढ़िया, -2।
कॉपी काम की, अच्छा काम की जिम्मेदार है। देन 6 - 5 = 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 10 - 2। 10 - 2 हुआ हमारा 8। और यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? टेंस प्लेस पर क्या आएगा? 0। अच्छा, 0 क्यों आएगा? 1 है, 1 कैरी ओवर। यस, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग आपके लिए, यू ट्राइड इट। चलिए और कोई, अब नेक्स्ट 3 - 2 - 3 - 2 = 6 - 1। जो लास्ट में जाएगा उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तो जल्दी से शुरू हो जाओ। हु इज गोइंग टू टेक द कॉल नाउ? Who is going to take the call now? Yes, अभी कौन कॉल लेने वाला है? नीरज, आपके बैकग्राउंड साउंड है, प्लीज आप अपने माइक पर कंट्रोल रखना। चलिए 3 - 2 - 6 - 1 को कौन सॉल्व, कौन सॉल्व करने वाला है जल्दी से? कुशल यार, 3 - 1 गया 2। हेलो सर, Am I audible? Yes, audible है, please. Yes sir. 3 - 1 गया 2, फिर 2 - 6 गया -4, फिर 3 - 2 गया तो 1, but वहाँ पे -4 है तो 10 में से माइनस करेंगे तो आएगा 6, और पीछे 1 कह रही था तो वो 1 को जाएगा 0, तो आंसर आएगा 62। अच्छा, 3 - 1 गया तो 2, और 2 - 6 गया तो -4, और 3 - 2 गया तो 1। स्टेप हो गया 1 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में 2 विल रिमेन एज इट इज, -4 विल बिकम क्या बनेगा? 6। -4 विल बिकम 6, और 1 की जगह क्या आ जाएगा? 0। आंसर बना 62। क्लैपिंग आपके लिए, बहुत बढ़िया, वेल ट्राई, बहुत बढ़िया। चलिए आप नेक्स्ट को आप सॉल्व करते जाइए, जो लोग जवाब दे दिया है वो वापस बोलेंगे नहीं, सिर्फ आप अपने मन में सॉल्व कर लेंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो वापस ट्राई करेंगे 67 - 59 पर। अभी 952 - 846 को कौन बताने वाला है? 106। चलिए बताइए, एक्सप्लेन भी करें प्लीज। The 2 - 6 - 4. Yes, minus 5 - 4 = 1. Okay. 9 - 8 = 1. Okay. Then 10 - 4 = 6. Right hand side is 6. -4 = 6. 6. Beech mein 0. 0. And left hand side mein 1. Wonderful. बहुत इतना इजी प्रॉब्लम है, देखो इतने बड़े बच्चों लायक थी नहीं, आप लोग बहुत कमाल करते हो सीखने में। नेक्स्ट कम ऑन, नेक्स्ट कूद पड़ो अगला, और कौन लेगा ये कॉल? सबका नंबर आने वाला है अभी, कोई बात नहीं ऋषि, आपको अभी समझाते वापस। ऋषि आपको अभी समझाते हैं, चलो नेक्स्ट कॉल जल्दी से लें, मैं ऋषि को समझाता हूं। ऋषि, अगर 67 - 59 को लेस किया तो हम 2 स्टेप्स में लेस करते हैं बिना कैलकुलेटर के। तो हमने क्या किया, पहले यूनिट प्लेस पर क्या है 9,
तो किस में से लेस करना है उसको? सेवन में से। सेवन में से नाइन को लेस किया तो नाइन बड़ा है, सेवन छोटा है, तो क्या होगा? माइनस में आंसर आएगा, उल्टा आंसर आएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? टू का, बट नाइन ज्यादा है तो इसलिए उसको माइनस टू लिखेंगे। और सिक्स में से फाइव गया तो वन, सिंपल। अब इसके माइनस का हिसाब करना है हमें, क्योंकि हम कभी भी अपने सम में माइनस नहीं लेते, हम अपने जो डिफरेंस आएगा उसमें माइनस नहीं लेंगे। तो इसको क्या करना है, जिसके भी आगे माइनस लगा है उसको टेन में से लेस कर दो। तो माइनस टू को टेन अपनी तरफ से लाए, हम टेन अपनी तरफ से लाए, और वो लाए कहां से? इस वन से, हमने वन बोरो किया, वन से वन बोरो किया तो वो हो गया टेन, और टेन में से माइनस टू लेस किया तो एट, और वन की जगह बचा जीरो, सिंपल आंसर हो गया। बोरो किया वन, बन गया टेन, उसमें से लेस कर दिया, सिंपल डन, और कुछ करना ही नहीं है। ऋषि अभी समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कौन समझाने वाला है? सर कैन आई ट्राई? यस यस, ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर सेवन माइनस एट इज माइनस वन, सिक्स माइनस नाइन इज माइनस थ्री, एंड फाइव माइनस सिक्स इज माइनस वन। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सेवन माइनस कौन सा वाला किया? अच्छा नीचे वाला किया। सेवन माइनस एट इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन। सिक्स माइनस नाइन इज सिक्स माइनस नाइन इज माइनस थ्री। ओ आई डिडंट सॉ सिक्स। ओके सर, देयर इज सेवन, आई रोट सिक्स। ठीक है। एंड फाइव माइनस सिक्स इज माइनस वन, सेवन माइनस थ्री इज फोर। नाउ टेन माइनस वन विल बी नाइन। अच्छा ठीक है। टेन माइनस माइनस थ्री विल बिकम माइनस फोर, सो इट विल बी सिक्स। देन टेन माइनस वन विल बिकम माइनस टू विच इज एट। वेरी गुड, वंडरफुल। And four will become three, so then answer will be 3869. Okay, great. और यहाँ one में से one गया तो यहाँ zero बचता था, वो बस रह गया. Otherwise yes. Your answer is good, perfect, wonderful. अगर किसी को लगे गलती है तो बता सकते हैं. चलो 4454 रह गया, great, wonderful, बहुत बढ़िया try किया बेटा. यस, ऋषि के लिए एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, ऋषि के लिए प्रॉब्लम है स्पेशल। 45 माइनस 36, ऋषि ये आपको सॉल्व करनी है। ये मैम एसएमएस एक्सेल वाली है ना, इस नाम से आपने देखी है? ऋषि बोल के बताना पड़ेगा। ऋषि आपको लेस करना है, और ऋषि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वापस एक्सप्लेन किया है कि अगर 67 में से 59 को लेस करना है तो 7 में से 9 को लेस करो पहले, माइनस टू आ गया जो डिफरेंस है उसका, फिर 6 में से 5 को किया तो 1 आ गया। ये हमारा पहला स्टेप है, मतलब एक एक डिजिट को लेस करना है, डिफरेंस को नीचे रखना है। अगर डिफरेंस नेगेटिव है, यानी अगर नीचे वाला बड़ा है तो हम माइनस लगा देंगे डिफरेंस के आगे, नीचे वाला छोटा है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे। और फिर अब इस माइनस को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और लेंगे, जिसमें हम माइनस टू जो लिखा हुआ है इसको टेन में से लेस कर देंगे। टेन में से टू लेस किया तो एट, और ये हमने टेन कहाँ से लाए थे? ये हम लाए थे वन से, एक बोरो, और उस वन में से बन गया तो जीरो, आंसर आ गया 08। शायद अब समझ में आया, नहीं आया तो फिर पूछो। और आपके कॉन्टैक्ट्स देखिए मैम, कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं जो भी आपने करवाए हैं ऊपर देखिए।
ठीक है, ये बीच वाला रह गया एक, कौन सॉल्व करने वाला है उसको? Who is going to solve this middle one? 4454 minus 2789. Raj ma'am? Raj ma'am, Nahid Khan ma'am. Yes, Sriyans. एक प्रॉब्लम बची है, कौन कॉल लेंगे फिर हम अगली प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं. चलिए नाइट मैम ने अभी ज्वाइन किया है. राज मैम ये प्रॉब्लम आप ही के लिए, आप इसे नोट करो, मैं आगे प्रॉब्लम दे रहा हूँ बाकी सबको. फिर चलिए अभी मिलेगी सबसे पहले ऋषि को. ऋषि आपकी पिछली प्रॉब्लम नहीं आई, आप 14 माइनस 12 को सॉल्व करो. अभी मैम ये इंपोर्ट हो रहा है. और उसके बाद नीरज और मैम आप ये इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन पूछना था इंपोर्ट करने के बाद? अच्छा आपको मेल सेंड करना है. उनको देखिए आप इंडिविजुअली भेज सकते हैं या फिर आप लाइक पूरे होलसेल रेट पर भी भेज सकते हैं. आप जैसे कि मैम ऑटोमेशन आप लगाना चाहते हैं तो ऑटोमेशन मैम जैसे लैंडिंग पेज होता है कुछ और होता है, मान लीजिए आपकी कोई सर्विस है राइट, तो आपकी जी तो मैम एक बार चार्जिंग पे लगा लीजिए आपका बैटरी को. तो उसमें मैम क्या रहता है जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करता है राइट, तो जैसे ही वो विजिट करता है तो वो आपको आपका एक सब्सक्राइब काउंट बढ़ जाता है. जैसे आपका लैंडिंग पेज जो होता है उसमें डिटेल डालता है वो थिंग जैसे कि कॉन्टैक्ट नेम अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम राइट. तो जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा तो आपकी तरफ से एक ऑटोमेशन वाला ईमेल चला जाता है उसके पास. उस मेल में यही लिखा होता है कि आपका आपकी वेबसाइट का नाम जो आप सर्विसेज देते हैं कुछ भी.
यस, मैंने अपने को म्यूट किया था, वो पीछे से साउंड आ रही है। चलिए, ये सबकी प्रॉब्लम है। राज मैम के पास दो प्रॉब्लम है। नाइथ मैम आपको सिंपल प्रॉब्लम दी है, आपने अभी एंट्री की है। ऋषि को सिंपल प्रॉब्लम दी है, वो छोटी क्लास का बच्चा है। तो ऋषि ने प्रॉब्लम निकाल दी, वंडरफुल ऋषि, कमाल कर दिया आपने। चैट में लिख के बताओगे कैसे आया, और इसी को उल्टा करो, 12 माइनस 14 करो। नहीं, मैं इसको अलग प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। ऋषि 17 माइनस 18 का। सर मेरी पहले वाली प्रॉब्लम मैं सुना। यस प्लीज। हेलो। यस मैम, जरूर। सर 45 माइनस 36। 45 माइनस 36। यस सर, उसमें ये थी आपकी, ये था 4 4 5 4 माइनस 2 7 8 9। आप मैम अभी आप एक बार ओम दीजिए वहाँ से। राज मैम बोल रहे हैं? नहीं सर, अब मैं बोल रही हूँ 45 माइनस 36। गया आया हमारा 1। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप? 45 माइनस 36 तो प्रॉब्लम थी नहीं मैम, प्रॉब्लम अच्छा ये आप, अच्छा लास्ट में दी थी जो आप। 6 हाँ। 5 में से 6 1 और 4 में से 3 गया, फिर आया 1, यानी कि आर एच एस 5 और अभी क्या आंसर आएगा? अभी 09। वेरी गुड, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं आपकी, सबकी अलग अलग, और ये जिसने भी सॉल्व कर दिया है, मुझे कुछ शेड तो अभी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सॉल्व कर भी दिया। अच्छा नाइट मैम, चलिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप सुनते जाइए, कर क्या रहे हैं लोग, आपको ये एक्सप्लेन करेंगे सारे लोग। जितेंद्र कुमार जी। हाँ जी सर। यस, समझाइए सर आपने। 5 2 3 4 माइनस 2 7 8 9। 4 में से 9 गया माइनस 5, 3 में से 8 गया माइनस 5, 2 में से 7 गया। मैं लिखता चलता हूँ सर, ये सबको समझ में आएगा। स्टेप 1 में 4 में से 9 गया माइनस 5, 3 में से 8 गया माइनस 5, 2 में से 7 गया माइनस 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक, अब ये माइनस है, हाँ, तो इसमें से 10 में से 5 जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो इट विल कम 5। ठीक है, देन कैरीड ओवर इधर से हो गया, तो 9 में से 5 का 4, देन इधर कैरीड ओवर हो गया, 9 में से 5 या 4, यहाँ 2 बचा, तो 2 का 2 आ जाएगा। अरे वाह, ग्रेट, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। नाइन मैम समझ में आया हमने क्या किया, जिसको भी जो भी अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है उसको 10 में से लेस कर लेते हैं, साइड में से एक बोरो ले आते हैं, हिसाब सिर्फ 10 में से करना है, कहीं कोई ऐड नहीं करना। हमारी जो कन्वेंशनल मेथड में हम ऐड करते थे कि अगर वो 5 है तो 5 में 10 ऐड करो, 15 में से लेस करो, तो वो एक्सरसाइज हमारी यहाँ नहीं होती। चलिए ग्रेट जितेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया किया। जी हाँ, इट्स योर टर्न नाउ। सर माय क्वेश्चन इज 7 9 5 8 माइनस 3 0 6 9, सो 8 माइनस 9 इज माइनस 1, 5 माइनस 6 इज आल्सो माइनस 1,
9 माइनस 0 इज 9 7 माइनस 3 इज 4 चेक करें ये हमारा स्टेप 1 हो गया 10 माइनस 1 विल बी 9 10 minus 1 will be 9, but because it we took a carry, so it will be 8. And 9 will become 8 because we it gave a carry. So the answer will be 4889. Sure. Yes, sir. अच्छा ये हमने जो एट लिया वो हमने कैरी कहाँ से लिया फिर ये थोड़ा सा इसीलिए लैग कर रहा है कौन सा वाले ये जो एट आया ये वाला जो सेकंड एट आया था फोर से पहले इसने भी तो कहीं से बोरो किया था कुछ ये एट एट नाइन नाइन से बोरो किया आई मीन इसने तो बोरो दिया था इसने बोरो इधर दिया फिर ये भी तो बोरो लेगा इसके पास अपना बोरो कहाँ था अच्छा इसने बोरो दिया था ठीक है नाइन में से एक बोरो गया एट हो गया फोर ठीक है उसके बाद आपको राइट राइट एब्सोल्युटली राइट ठीक है जिया गुड ग्रेट नीरज और कुशल दोनों में से कोई भी ले सकता है प्रथमेश तीनों में से जो जल्दी बोल पड़ेगा बारी उसकी आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो यस प्लीज सर मैं ऑडिबल यस ऑडिबल यस सर टू में से नाइन गया तो माइनस सेवन थ्री में से एट गया तो माइनस फाइव फिर फोर में से सेवन गया तो माइनस थ्री और फाइव में से थ्री गया तो टू ठीक है अब सबसे लास्ट में टेन माइनस सेवन करेंगे तो आएगा थ्री ठीक है नाइन माइनस फाइव करेंगे तो आएगा फोर नाइन में से थ्री माइनस करेंगे तो आएगा सिक्स और टू में से कैरी लेता तो यहाँ बचेगा वन तो आएगा वन तो आएगा आंसर 164 बहुत बढ़िया ग्रेट वंडरफुल सो नाइस एंड नीरज प्रथमेश नीरज प्रथमेश एंड ऋषि जल्दी जो बोल पड़ेंगे बारी मैं इधर से ना ऑपरेट नहीं कर पा रहा आप मैं आपको बता देता हूँ आप वैसे वैसे कर दीजिए एक बार आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जहाँ पे सेगमेंट सर मैं बोलूंगा यस प्लीज अरे वाह स्वागत है लाइक सेवन माइनस फोर सर करेंगे इट विल बी लाइक थ्री ठीक है एंड देन सिक्स माइनस एट वुड बी माइनस टू वंडरफुल नाइन माइनस फाइव वुड बी फोर ओके तो अब थ्री को ऐसे ही रख देंगे एंड देन इसको टेन से माइनस करेंगे तो एट आएगा बहुत बढ़िया एंड देन इधर थ्री हो जाएगा यस क्योंकि एक बोरो चला गया तो वो फोर का थ्री हो जाएगा एंड दैट इज योर आंसर क्लैपिंग आपने बिल्कुल लेट ज्वाइन किया और इतनी जल्दी आपने पकड़ बनाई टॉपिक पर कमाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैम राज मैम एंड श्रेयांश बारी आपकी एंड नीरज कहाँ है आज नीरज गोदारा वे आर यू नीरज नॉट देयर अच्छा नीरज चलिए तो कौन लेने वाला है कॉल अभी कौन बचता है श्रेयांश का आज माइक नहीं है
और प्रथमेश व्हाट अबाउट यू? कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए, सेम के साथ तो कैंसिल। हाँ प्रथमेश ठीक है, 389 इज नॉट करेक्ट, 489 इज करेक्ट। ये देखिए ब्लैक कलर से लिखा है। प्रथमेश का माइक नहीं चल रहा। चलिए प्रथमेश माइक नहीं चल रहा तो आप रिकॉर्ड करके भेज देंगे, आप रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे अगर माइक नहीं चल रहा तो। बट अब आप में से किसी को नहीं समझ में आया हो तो यू कैन आस्क इट टू मी, मैं एक बार फिर रिपीट कर सकता हूँ। कहीं भी थोड़ा सा भी आपको लगा, अब इसको 10 बार फिर हमें करना है। अभी आज 10 प्रॉब्लम आएंगी और इसकी इंडिविजुअल्स के लिए, और 10-10 बार हमें करके, और हमें सिर्फ वॉइस से भेजना है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है, लिख के नहीं भेजना। तो ये हमारे टिप्स पे ऐसे निकल है, ऐसे आंखों में विजुलाइज करके निकल के आ जाएगा। कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम ऐड कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? कर सकते हैं किसी का कोई, अभी भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ ले, क्लैरिटी हो जाएगी, ज्यादा बढ़िया है। अब आप जो भी मेल यस प्लीज, आप किस पर्पस के लिए सेंड कर रहे हैं? आपको सब्जेक्ट आज मैं 4,454 - 2,785 4 में से 8 गए -3, 4 में से 7 गए -3, यानी कि पहले भी माइनस था तो इसलिए हम हाँ सॉरी सात आ गए। बोलेंगे मैं एक बार एक्सप्लेन करेंगे, हाँ जी एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे। ये 4,754 2,780 पीछे 4 में से माइनस किया 4 आ गया, 8 में से 5 गए माइनस डिजाइन ईमेल राइट, सॉरी माइनस 10 में से 3 माइनस किया आ गया 4 और फिर हमें यस राज मैम आप हमें रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा, आप रिकॉर्ड करके भेजें, मैं एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ। प्रथमेश ने पूछी है, प्रथमेश ऋषि और नाहिद मैम आपने लेट ज्वाइन किया है तो मैं ये प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूँ। 357 को लेस किया 439 में से, मैं यहाँ सम चेंज कर देता हूँ, 357 की जगह 456 को लेस करते हैं हम। अब वन में से सिक्स लेस नहीं हो सकता, बाकी मैं सारे हटा देता हूँ। नीचे वाला भी हमें ध्यान नहीं देना, वन में से सिक्स गया लेकिन मैम जा नहीं सकता, सिक्स बड़ा है ओबीसी बात है, कितना बड़ा है डिफरेंस है फाइव का माइनस फाइव नीचे के लिए नीचे। और इसका हिसाब ऐसे रखना होता है, हमारी जेब में अगर एक रुपया है और हमें 6 रुपए किसी को उधार देने हैं, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कम करना, अगर मेरी जेब में 1 रुपया है तो मैं 6 रुपए किसी को उधार कब दूंगा, कैसे देंगे बताए, किसके पास इसका आंसर है कि अगर 1 रुपया है तो 6 रुपये किसी को उधार कैसे दे सकते हैं? इसके बाद में नीचे में ₹5 और आएंगे, तब ₹5 किसी से मैं उधार लूंगा तो, हाँ जी, उस पे आप उधार लेने का मतलब है मैं माइनस में गया, आपका उधार लेने का मतलब है मेरे पास नहीं है, मैंने कहीं से कर्जा लिया, तो आपने 1 रुपये में से 6 रुपये अगर देने हैं तो आपको माइनस के 5 रुपये कर्जा लेना पड़ेगा, यानी कर्जा 5 रुपए, माइनस का मतलब कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा जो आपके पास नहीं है, तो 1 - 6 = -5 बहुत क्लियर, 2 - 5 - कितना बोल दो, 2 रुपए जेब में 5 रुपए देने हैं किसी को तो कितना कर्जा लेना पड़ेगा, आपको सोशल शेयरिंग के लिए बटन लगाने हैं, कितना लेना पड़ेगा कोई बोलता नहीं है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेंड करने में -3
आपको देन वहां से भी चलो देना, तो ये अब फाइव में से फोर गया, पांच रुपए थे, चार रुपए किसी को देने, एक रुपए मेरे पास बच गया, सिंपल डन, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मेरे पास पांच रुपए कर्जा है इस लाइन के पास, अब ये पांच रुपए कर्जा है और मुझे इसमें बिना कर्जे का करना है, मतलब मुझे पॉजिटिव लाना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी से उधार लूंगा, और उधार देने वाला आदमी क्या कहता है, वो कहता है मैं दस रुपए से कम किसी को देता नहीं। हेलो, उधार देने वाला आदमी दस रुपए से कम देता ही नहीं, बोला दस लेने पड़ेगा, तो इसने यहाँ से दस रुपए लिए, एक दस का नोट लिया और माइनस फाइव थे, तो अब आपकी जेब में कितने बच गए, रत्मेश कितने बचे, तो आप अभी मैं अभी आप लगा रहे हैं या मैं पांच रुपए, हमने एक नोट लिया दस का, पांच रुपए कर्जा था, अब कर्जा चुकने के बाद अपने पास बच गए पांच, वंडरफुल। अब यहाँ जिससे लिए उसके पास पहले ही कर्जा था तीन रुपए का, ठीक है, उसको भी पॉजिटिव में लाना है, तो अब ये इसने एक इसको यहाँ दे रखा है, फिर ये एक यहाँ से उधार लिया इसने, इसके बाद दस हुए, दस में से तीन लेस हुए तो सात बचा, सात में से एक ये पांच इधर ले गया, तो मेरे पास कितना बचा, छह, मेरे पास छह बचे, दस उधार लिए थे, एक मेरे से कोई और उधार ले गया, तो तीन मेरे पास पहले ही कर्जा था, पास छह बचे। अब इसके पास भाई के पास एक ही था, एक भी इसने उधार दे दिया पड़ोसी को, इसके पास क्या बचा, ठन ठन पाल मदन गोपाल, पाल मदन गोपाल, पड़ोसी को कर्जे बांटते रहोगे तो खुद ऐसे ही हो जाओगे, सिंपल। पड़ोसी के पड़ोसी काम आता है, पड़ोसी दूसरे से हेल्प लेता है, पर पड़ोसी कहता है मैं दस दूंगा, और उधार कौन सा देता है, लेफ्ट वाला पड़ोसी, लेफ्ट वाला पड़ोसी, एक ही साइड वाला पड़ोसी देता है, वो अगले वाले से लेगा, वो अगले वाले से लेगा, और दस के लौट में ही लेगा, हो गया क्लियर। ये हमारा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आप अभी सेव एंड क्लोज कर दीजिए बस, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया, किसी और को और चाहिए, तो उसके बाद में ऊपर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा राइट साइड पे, हाँ देखो वहां पे आप कर लेंगे, फिर से ये क्या डाला है आपने इधर, अभी मैं आपका दिखा देगा ऑल कंटिन्यू में, देखिए क्या है ऋषि, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, कैन आई फिनिश द क्लास नाउ, और मैं आपको 10 प्रॉब्लम भेजूंगा आज, कैन आई फिनिश द क्लास नाउ, क्योंकि मैम यहाँ पे आपने अभी अपनी कोई बोलता नहीं है, राइट, सब्जेक्ट आपने नहीं डाला है और आपने अभी अपना लोगो नहीं लगाया, इसलिए मैम ये कंटेंट पे क्रॉस दिखा रहा है, चलिए थैंक यू थैंक्स यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं 10 प्रॉब्लम डालूंगा इनको सॉल्व करना, फिर एक दिन हम करेंगे डिवीजन, बस उसके बाद हमारा बेसिक मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा।